रोहन जय श्री कृष्णा, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो अभी दोपहर के 2:30 बज गए हैं। विराट स्कूल से आ गया है और मैं बना रही हूँ अभी रोटी। मैं और विराज खाना खाएंगे। विराज खाना खा रहा है। अंकित तो सोए है। उसका ये पूरा वीक ऑफ नाइट शिफ्ट थी। और यहाँ पे विराज देखे गेमिंग करते करते खाना खा रहा है और मैं रोटी बना रही हूँ। तो बस अभी रोटी बन गई है, एक दो बाकी, बाद में मैं भी खाना खा लूँगी। और अंकित को सुबह खा के ही सोते हैं, बाद में रात को खाएंगे सीता डायरेक्ट। तो बस यही चल रहा है हमारी लाइफ में। और ये सोए हैं यहाँ पर। तो अभी क्या है कि उसकी नाइट शिफ्ट चल रही है ना, तो हमारा ऐसा बोरिंग डे जा रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अंकित की नाइट शिफ्ट एक साथ 1 वीक है, वरना एक होती है कभी कभी, एक दिन जाते हैं। तो बस अभी वही वेट कर रहे हैं कि आज का लास्ट डे है उसकी नाइट शिफ्ट का, वो ख़त्म हो जाए बस, बाद में आराम हमें भी अच्छा लगेगा घर में, क्योंकि वो पूरा दिन सोते रहते हैं, रात को चले जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि है ही नहीं। सुबह 6 बजे आते हैं, जब भी मैं उठती हूँ तभी वो आते हैं। तो सुबह विराज का टिफ़िन बनता है, तभी वो साथ में खा लेते हैं खाना, जो टिफ़िन बनता है विराज के लिए। तो वो बोलते हैं मेरे लिए भी बना देना, तो मैं भी खा लूँगा और बाद में सो जाऊँगा। तो बस अभी विराज खाना खा रहा है, मैं खा लूँगी। और आज थोड़ा बहुत काम है, नाश्ता बनाना है मुझे, थोड़ा चकरी और चेवड़ा सब कुछ। तो चलिए पहले खाना खा लेती हूँ, बाद में काम कर रहे हैं। मैंने खाना पीना खा लिया, काम मेरा कर लिया है मैंने। विराज गया है ट्यूशन में और अभी मैं स्टार्ट करती हूँ सब जो भी काम मुझे पेंडिंग पड़े हैं करने हैं। वो मुखवास बनाने वाली हूँ, तो ये सब मैं हल्दी नमक डाल के इसमें मिक्स करके थोड़ी धूप में रख दूंगी, बाद में इसको थोड़ा सेक लूँगी। तो पहले मुखवास की प्रिपरेशन करके रख देती हूँ और उसके बाद ये सब करना है, चकरी बनाना है। तो चलिए पहले मुखवास का सब मिक्स कर लेती हूँ मैं। ये मेरे इंडिया से मैं लेके आई थी, वो अभी तक चल रहा है मेरा। अभी आज थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा रखूँगी वरना मुझे वापस यहाँ से तो लेती ख़त्म होता है, तो कुछ भी लेना ही पड़ता है। पर अभी इतना रखूँगी तो थोड़ा टाइम चलेगा, बाद में हम इंडिया जाएंगे तब भी वापस लेके आएंगे। कुछ कुछ चीज़ें हैं ना इंडिया से बल्क में लेके आते हैं ना, तो अच्छा है, वो सब कुछ लेना नहीं पड़ता है। अभी बहुत टाइम हो गया है, मैंने कब से बनाया ही नहीं है मुखवास। सब लोग आते हैं ना तो बोलते हैं मुखवास कहाँ है, मुखवास कहाँ है। और रेडीमेड जो लेके आते हैं वो इतना टाइम चलता नहीं है, जो हम बल्क में ये बना के रख देते हैं तो लॉन्ग टाइम चलता है ये सब, और अच्छा भी बनता है घर पे। सभी लोग बनाते होंगे ऐसे ही मुखवास। तो यहाँ पर हम लोग इंडिया के जैसे ही रहते हैं, कुछ ऐसा वो नहीं है, बस थोड़ी लाइफस्टाइल अलग है यहाँ की, वरना सब कुछ यहाँ भी सब कुछ मिलता है, सब कुछ करते हैं। फ्रेंड्स भी सब भी हमारे इंडियन ही है और सब बॉम्बे के ही है, हमारे जो भी फ्रेंड है सभी सब नॉर्मली हमारे साथ अच्छे से रहते हैं। बहुत टाइम से, जब से हम पहले घूमने आए थे तभी भी वही फ्रेंड है, अभी भी वही फ्रेंड है। बहुत ही अच्छा हमारा बॉन्डिंग है सबका।
एक दूसरे को थोड़ा टाइम नहीं मिलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। एक दूसरे सभी को कोई ना कोई ऐसे डिनर के लिए बुला लेते हैं या तो बाहर चाय पीने के लिए मिल लेते हैं। कभी कभी शूट करते हैं, कभी कभी नहीं करते शूट, क्योंकि हर टाइम शूट करना अच्छा नहीं लगता है। सब मिलते हैं, बातें करते हैं, तो ऐसे शूट करना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सबको फ्रीली रहना अच्छा लगता है। वो व्लॉग स्टार्ट करते हैं बाद में थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है सबको। थोड़ा ये डाल देती हूँ, अभी देखा जाएगा लेना पड़ेगा तो यहाँ से ले लूँगी, क्योंकि कम अच्छा नहीं लगता। अभी धूप भी अच्छी पड़ेगी, बाद में वेफर वेफर बनाऊंगी, सब कुछ स्टॉक में करके रख दूंगी। साबुदाना वेफर हमारी हर साल पूरा साल चलती है, क्योंकि अच्छा लगता है सबको खाना, सबको अच्छी लगती है साबुदाना वेफर, तो मैं बना के रख देती हूँ डिब्बा भर पूरा भर के। चलिए ये हो गया है मेरा, इसको अभी सूखा देती हूँ बाहर। तो अभी मैंने ये चावल का आटा ले लिया है, तो अभी इसमें मैं मसाला कर लेती हूँ। ये मैं चकरी का आटा गूंथ रही हूँ, मैं इसमें सॉल्ट डालेंगे थोड़ा। हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, क्योंकि मैं ग्रीन चिली नहीं डाल रही हूँ, वरना मैं ग्रीन चिली डालती हूँ पेस्ट बना के। और थोड़े से तिल, बहुत ही टेस्टी बनती है ऐसे। और एक चम्मच घी डाल रही हूँ मैं मूंग के लिए, तेल नहीं डाल रही, घी डाल रही हूँ। अभी इस दही से मैं आटा गूंदूंगी और थोड़ा सा कम पड़े तो पानी डालूंगी और दही डाल दूंगी और आटा गूंदूंगी। अभी दही डाल के हमारा आटा रेडी है, अभी चकली बनाऊंगी मैं।
का चिवड़ा और चकरी दोनों रेडी है। अभी यहाँ पर देखिए, मुझे लगता है ये है ना नाइट की वजह, वो नाइट शिफ्ट का वो बहाना करके ज़्यादा ही नींद करने लगे आप। अभी देखिए आप घंटे, अभी 5:05 बजे है ना, आप सोए कब है? 7 o'clock, 7:30 को सोए है ना। हाँ तो 8 o'clock से आप गिन लो, नाइट से भी ज़्यादा नींद करने लगे आप। और अभी तो हम बुला नहीं सकते, मेरी नाइट शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है। देखिए अभी 5 बजे, धूप भी है और अच्छा है क्लाइमेट, अभी ठंडा है। बस विराज के बर्थडे तक ऐसा ही क्लाइमेट रहे तो हमें बर्थडे अच्छे से मना सकेंगे हम। हमने यहाँ पर बेड शीट चेंज कर ली है क्योंकि अंकित आते हैं सुबह, विराज सुबह जाता है तो यहाँ पर सोते रहते हैं, तो बेड शीट चेंज नहीं हो पा रही है अभी थोड़े दिन से, तो अभी मैंने अभी कर ली है। अभी यहाँ पर पीलो कवर लगाना बाकी है, अंकित नहा धो के आ गए हैं और नाश्ता कर रहे हैं। चकरी और चिवड़ा टेस्ट कैसा है? अच्छी बन। और चाय, चाय भी चालू है। नाश्ता और मैं उठा हुआ, मेरे को भूख लगी है, सामने ये देखा तो मुझे खाने का मन हो गया, मतलब मुझे नाश्ता दे दे मैं खा लेता हूँ, डिनर बाद में कर लूँगा। तो अभी तो 6:00 बजे है, अभी तो 1.5 घंटा है, तो अभी डिनर में बन रहा है आलू मेथी की सब्जी और रोटी, फटाफट बना लेती हूँ, वरना लेट होता है तो बाद में गुस्सा करते हैं, इसलिए जो भी फटाफट बनता है वही खाना बनाती हूँ। तो आज का दिन है, बाद में तो थोड़ा शांति मिल जाएगा मुझे, तो थोड़ा मुझे सर्दी भी है, आज लास्ट है, बाद में 2 दिन छुट्टी है तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। कल सब कुछ विराज का सब लेके आएंगे जो भी कुछ है वो, और शनिवार को भी एक प्लान है, बस हो जाए सक्सेस। बाद में आपको बताएंगे, सैटरडे को ही बताएंगे आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं, और प्लान सक्सेस होगा तो आपको बताएंगे, अभी से बताएंगे, 2 बार तो फ्लॉप हो गया है तो बाद में आपको बताएंगे जाएंगे तो। चलिए अभी वो नाश्ता कर लेते हैं और मैं सब्जी बना लेती हूँ, बाद में रोटी बनाऊँगी। यहाँ पर हमारा आलू मेथी सब्जी रेडी हो गया है, 7:30 बज गए, अंकित को जाने का लेट हो रहा है, तो बस एक साइड ये सब्जी हो गई है, यहाँ पर रोटी बना रही हूँ और अंकित सब कुछ ले रहे खुद ही क्योंकि उसको लेट हो रहा है ना, और मैं थक गया। तो देखो ये बर्तन वापस अभी किया मैंने, सब नाश्ते का वो सब था वो, विराज भी, विराज को नहीं खाना है ना अभी, विराज पापा के साथ बैठ जा। हम्म, कितनी देर में? 7:30 बजे। अभी क्या है कि अंकित को जाना है, अभी देखो वो बैठ गए। हाँ वो स्पाइसी पोटैटो चाहिए, खा के देखे तो चलिए अभी फटाफट खिला देती हूँ, और मुझे भी खाना होगा तो खाऊंगी, वरना भी रसोई में थोड़ा लेट खाएंगे। चलिए तो अभी सोने का टाइम हो गया है और मैं फ्री हो गई हूँ, और विराज को सुलाना है अभी, ये हमारे बिना नहीं सोता है, तो हमने खाना पीना खा के फ्री हो गए हैं, तो अभी सो जाते हैं। और बस ये है मेरा रूटीन, तो आप लोग बोर मत होना, पूरा वीडियो देखना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।